वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो काफ़ी दिन हो गया मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला है, ना तो कुकिंग चैनल पे डाल रही हूँ और ना व्लॉग पे डाल रही हूँ। आई थिंक 1 मंथ हो गए होंगे, क्योंकि एक महीने से बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा था। भाई छोटे वाले भाई के घर का गृह प्रवेश था तो उसमें बिजी थी, फिर दीदी आई थी तो उनके साथ थोड़ा काम था वो निपटाया, और फिर 2-3 दिन बाद हम लोग पुणे चले गए थे। वहाँ पर घूमना, साईं बाबा शिरडी के साईं बाबा का दर्शन किया हम लोगों ने, मेरी मन्नत थी। तो काफ़ी कुछ मतलब फिर वहाँ से आने के बाद घर की सफाई, बाकी काम, और गर्मी इतनी पड़ रही है कि कुछ भी शूट करने का और एडिट करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो फाइनली आज मौसम बहुत ठंडा है, आज बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है कल रात से ही। तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग को एडिट करके डाल देती हूँ। तो आगे से कंटिन्यू आपको 1 बाय 1 सारे व्लॉग देखने को मिलेंगे। पुणे गई मैं, वहाँ पर कहाँ कहाँ घूमी, क्या क्या किया, वो सब आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। व्लॉग में भाई के घर के जो गृह प्रवेश हुआ था वहाँ वो, और मेरे बड़े भाई के घर का अंदर का तो मैं शूट नहीं कर पाई, भूल गई थी, पर नीचे जब पार्क में टहलने गए हम लोग तो काफ़ी कुछ मैंने शूट कर लिया है। तो वो सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग में वहीं से करती हूँ, उसके बाद फिर कैसे पुणे गए हम लोग और क्या क्या किया वो सब कुछ भी आपको आगे के सारे व्लॉग्स 1 बाय 1 करके मैं एडिट करके रखी हूँ, सिर्फ मुझे डालना है। तो मैं 1 बाय 1 पर डे एक एक व्लॉग डालती जाऊँगी। तो आगे बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, पुणे के सारे व्लॉग देखने को मिलने वाले हैं। सिंहगढ़ गए थे हम लोग और कातरा वहाँ पे जू है, स्नैक गार्डन है, वहाँ पे गए थे। तो ये सारा कुछ मैं आपके संग शेयर करूँगी। तो गाइस चलिए इस वीडियो का स्टार्टिंग करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर मेरे साथ आप जुड़े रहना चाहते हो, मेरे ब्लॉग्स देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जो आ रहा है घंटा की तरह, उसको ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे जितनी भी वीडियोज़ मैं डालूँगी वो आप तक पहुँच जाएगी और आप देख पाओगे। दिल्ली में तो इतनी गर्मी पड़ रही है गाइस, बहुत गर्मी थी, इसकी वजह से भी मैं व्लॉग नहीं डाल पाई थी। तो आज मौसम काफ़ी ठंडा है, रात से बारिश हो रही है। तो आगे मैं कोशिश करूँगी कि डेली एक व्लॉग डालूँ। तो चलिए गाइस पहले मैं स्टार्टिंग करती हूँ भाई के घर के गृह प्रवेश से। तो आप लोग इस व्लॉग को देखिए, इन्जॉय कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ ये जिस दिन गृह प्रवेश था, पूजा था, तो उस दिन का मैंने शूट किया है। उसके एक दिन पहले सुंदरकांड किया था छोटे भाई ने, तो कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। हम लोग उसी दिन आए थे और फिर सुंदरकांड हुआ, नाश्ता वास्ता सब कुछ जो लोग आए थे उनको कराया, फिर खाना वाना खा के हम लोग सो गए। इतनी थक गई थी कि मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो फाइनली आज मैंने उठाया था अपना मोबाइल शूट करने के लिए। तो पंडित जी आ चुके थे, सारी तैयारियां हो चुकी थी और लोग भी धीरे धीरे आ रहे थे, और बस पूजा सुबह से हम लोग लगे हुए थे सारी तैयारियां करने में। बहुत सारा काम हो जाता है, प्रसाद बनाना और फिर सबका खाने पीने की व्यवस्था थी। तो वो तो बाहर है, और देखिए कुछ कुछ लोग आना भी स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ इस रूम में बाबू जो है अपनी मौसी के संग मस्ती कर रहा था, और अभी सारा काम कम्प्लीट नहीं हुआ है घर का। इसके ऊपर का आप देख सकते हो, इस रूम का सब अभी पीओपी वगैरह बाकी है। हॉल का पीओपी आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। ब्लू, और यहाँ चल रही है रियांश की मस्ती। तो पूरा गृह प्रवेश का जैसे होता है सब कुछ, वो सब हुआ, फिर सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी और आरती हुआ। तो काफ़ी लोग आए हुए थे, भी आगे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस मैं वॉइस ओवर अभी नहीं करूँगी, क्योंकि फिर वॉइस ओवर करूँगी तो सब मतलब जो वहाँ से शूट किया है, जो पूजा कर रहे हैं पंडित जी, वो और मेरी आवाज़ मिक्स हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए आप लोग देखिए वीडियो को और इन्जॉय कीजिए। उसको भी बाहर ले आए थे, सही बात है।
प्रवाह स्वस्ति नोकारेदा आप यहाँ थोड़ा किचन का पूजन कर दो, चलो करो भाई। यहाँ पर सामने छोड़ देंगे, भगवती अन्नपूर्णा से प्रार्थना करेंगे कि अन्नपूर्णा आपके आशीर्वाद से हम घर में प्रवेश किए हैं और हमारे यहाँ ऐसा मंत्र पुष्पांजलि प्रार्थे भगवान जन हाथ जोड़ कर प्रार्थना करेंगे। महालक्ष्मी स्वाहा धर्म निर्धनम आयुधनम सूर्योधनम सुधर्मेन्द्रो जनों के संकट में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का कि घर का गृह प्रवेश का मैंने थोड़ा सा ही शूट कर पाई, सुंदर कांड का भी शूट करना मैं भूल गई थी, एक्चुअली मेरे दिमाग से ही निकल गया, इतना थक गए थे और इतना काम होता है ना घर पे जब भी कुछ होता है फंक्शन वगैरह तो उसी में इंसान बिजी हो जाता है, इतने सारे गेस्ट आते हैं कि उनसे बातचीत करना और तो अच्छा नहीं लगता बार बार कैमरा उठा के शूट करते बैठो। तो थोड़ा बहुत मैंने जो भी गृह प्रवेश का शूट किया, इसके बाद आरती के बाद फिर सबको नाश्ता वगैरह था, उसके फिर खाना था, तो काफ़ी लोग आए हुए थे, 80-90 लोग थे आई थिंक। मेरे बड़े पापा की बेटियां रहती हैं यहाँ पे, वो लोग भी आए थे, तो उनसे बातचीत वगैरह में इतनी बिजी हो गई, खाने का मैं शूट ही नहीं कर पाई, सोचा था कि शूट करूँगी पर दिमाग से ही उतर गया। तो चलिए गाइस, अभी मैं नेक्स्ट डे का, अभी आप इसके आगे देखोगे कि नेक्स्ट डे हम लोग मेरे भाई बड़े वाले भैया के घर पर गए थे, उनके यहाँ भी मैंने सोचा था कि शूट करूँगी उनके घर का, पर वहाँ पे गई और सबसे बात करने में इतना बिजी हो गई कि मुझे ध्यान ही नहीं आया। फिर जब मैं नीचे उतरी बाबू को पार्क में टहलाने के लिए तो मुझे याद आया, तो जितना भी हो सका मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है, उनके नीचे का पार्क को मैंने दिखाया कि कितना बढ़िया पार्क है, ओपन जिम है, बाकी चीज़ आपको देखने को इसमें मिलेगा। तो चलिए अभी भाई के घर का आप आगे का देखिए, और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा देखने के बाद तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। तो चलिए गाइस अभी आप आगे का देखिए, क्या लिए हो रही हैं आप? स्पून, आइसक्रीम। आइसक्रीम अभी मिलेगा, कहाँ पे आए हो? कहाँ पे आए हो? लॉलीपॉप। ये क्या है? लॉलीपॉप, डेरी मिल्क, चॉकलेट। चॉकलेट किसके घर आए हो? मैं। आप किसके घर आए हो, कहाँ पे आए हो? हाय करो तो सबको, तो हेलो हेलो करो, हाय करो। उक्कू नहीं, स्पून स्पून। जब नीचे आई मैं तो मुझे ध्यान आया कि अरे वीडियो शूट करना था, तो फट से मैंने स्टार्ट कर दिया शूट करना, क्योंकि ऊपर थी ना तो सबसे बातचीत करने में और शोर भी बहुत हो रहा था, बच्चे थे तो इसलिए शूट भी नहीं हो पाया। तो इस तरह से कुछ इनका है, चारों तरफ से इस तरह से बिल्डिंग दिखती हैं, बीच में
पार्क है, काफ़ी बड़ा पार्क है, स्विमिंग पूल है, ओपन जिम है और क्लब हाउस वगैरह जो भी एमिनिटीज़ होती हैं बाकी सोसाइटीज़ वगैरह में वो सब कुछ है। और इनका जो फील्ड है वो काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो पीहू और रियान से देखिए आगे आगे जा रहे थे, बाकी मैं पीछे पीछे से सूट कर रही थी उन लोग को। ये देखिए ये ओपन जिम है यहाँ का, बुढ़म किसी और का है ना, आगे से ले आएंगे दूसरे का बैलून। खेलो उधर, क्या कर रही है पियू? नौटंकी इसमें बैठ जाओ, बैठ जाओ, उसी पे ऐसे ही दौड़ेगा, इस पे बैठो बेटो। इस पे बैठ जाओ, इस पे बैठो, नहीं बैठेगा, जाना तो बहुत बदतमीज है, तुम बैठ करती हो। अब वो ब्रूम किसी और का है, मारेंगे मारे। चलो इस पे बैठोगे घोड़े पे, देखो कैसे बैठी है दीदी, आओ इस पे बैठ जाओ, आओ बेटे मजा आएगी। देखो पीयू बैठी है, पीयू दीदी देखो कैसे चल रही है, देखो चलो चलो आज दूसरे पार्क में चलें। तो इस पार्क से होकर के फिर दूसरे पार्क में हम लोग जा रहे हैं और देखिए कैसे बाबू जंप करते हुए जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लोग बैडमिंटन वगैरह खेल रहे थे और इधर से इधर भी फुटबॉल वगैरह कुछ तो खेल रहे थे। तो इस तरह से काफी बैडमिंटन क्लब है, क्लब हाउस है, बैडमिंटन खेलने के लिए, वॉलीबॉल खेलने के लिए है, बीच में पूरा पार्क है, काफ़ी लोग मतलब शाम को, ये एंट्रेंस था यहाँ का, शाम को सब लोग यहाँ पर उतर के टहलते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ पर बैडमिंटन हो रहा है, थोड़ा अंधेरा था इसलिए यहाँ नहीं ठीक से आया। और ये था एंट्रेंस, तो अभी इसके पीछे जाएंगे हम लोग, पीछे भी काफ़ी बड़ा एरिया है जिधर पार्किंग वगैरह ओपन पार्किंग करते हैं लोग, तो चलिए अभी वहाँ चलते हैं। आगे चलो आगे बना, देखो बुबू आ जाएगा, गाड़ियाँ आती है ना इधर से, अच्छा आराम से। उल्टा क्यों जा रहे हो रियान, सीधा चलो रियान। ये क्या बदतमीजी है, बहुत बदमाश कर, सीधा चलो। क्या चलो बड़े वाले में, ये वाला निराला 24 फ्लोर का मंदिर है ये। हाँ। ये बन रहा है 24। गाड़ी 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 गाड़ी, यहाँ गाड़ी आ रही है, साइड में हो जाओ, पियो दीदी हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। वॉलीबॉल है,
तो बस यहाँ पे बच्चों की मस्ती चल रही थी, मैं भी बैठ करके थोड़ा शूट कर ली। वॉलीबॉल, फुटबॉल बहुत कुछ था, बैडमिंटन वगैरह सब लोग खेल रहे थे। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर गए, खाना वाना खाए और फिर घर चले गए थे। आगे कंटिन्यू करूँगी मैं, पुणे के ब्लॉग्स दिखाऊँगी आपको। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, खूब सारा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।